वेलकम बैक, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो अभी हम लखनऊ से आ चुके हैं कानपुर, और इस समय हम कानपुर रेलवे स्टेशन पे, ये पीछे हमारा रेलवे स्टेशन है। तो अभी हम यहाँ से आने वाले हैं गंगा बैराज की तरफ, यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं और चलते हैं गंगा बैराज की तरफ। तो ये देखिए पीछे हमारा रेलवे स्टेशन, और कानपुर रेलवे स्टेशन देखने में कुछ इस तरह दिखाई देता है, आपको दिखा रहे हैं। और ये कानपुर जो है रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने ही यहाँ पे ये है कानपुर मेट्रो का, ये कार चल रहा है, देख सकते हैं पूरा कार अभी चल रहा है इसका। ये स्टेशन है सामने, और स्टेशन के सामने मेट्रो का कार चल रहा है। ये देखिए कानपुर मेट्रो में कार, तो अभी हम पहुंच चुके हैं कानपुर घंटाघर, ये सामने रहा कानपुर घंटाघर, और ये कानपुर जो घंटाघर सामने चौराहा, ये चौराहा काफी ज्यादा भीड़ है। तो अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ पैदल से ही, आगे देखते हैं ऑटो मिलेगा तो लेते हैं। फिर देखते हैं ये चौराहा है बहुत, ये एकदम सामने घंटाघर के, और इसी तरफ रास्ता जाएगा गंगा बैराज की तरफ। तो हमने 5 किलोमीटर पैदल ट्रेवल किया है, इसमें पहुंच चुके हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो कि एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, इसी के जस्ट पास पहुंच चुके हैं। और ये हमारे पीछे रहा ग्रीन पार्क स्टेडियम, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है। अभी यहाँ पर मैच चल रहा था, अभी समाप्त हो गया है, तो हम और हमारे फ्रेंड लोग अभी अंदर आ चुके हैं। ये देखिए पीछे, इसी गेट से हमने स्टेडियम के अंदर एंटर किया था, और इसी गेट से हम एक लोग एग्जिट कर रहे हैं स्टेडियम के। और ये जो सामने यही होटल है जहाँ पे खिलाड़ी जब मैच खेलने आते थे ऐसे इंडियन टीम, तो उसी पे इसी होटल में रुका करते थे। ये सामने होटल है, और ये स्टेडियम जहाँ से हम एंटर करते हैं यहाँ इलाका है, और ये सामने है उसके जस्ट सामने ये होटल है, और यहीं पर उनकी पार्क होती थी गाड़ियाँ, और ये भी, और इसी होटल में रुका करते थे, ये देख सकते हैं। तो अभी हम गंगा बैराज की तरफ जा रहे हैं, तो हमें रास्ते में अटल घाट जो कानपुर गंगा किनारे स्थित है वो देखने को मिला। तो इसमें रात के बज रहे हैं 9, इसमें घाट बंद है, मतलब गेट बंद है घाट का, और ये देख सकते हैं इसके चारों तरफ का व्यू, और हम इसके पास जाने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारे सामने, ये है अटल घाट, पर इसके ही सामने है गंगा बैराज जो आपको सामने दिख रहा है। ये अटल घाट का अंदर का व्यू आपको दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गंगा बैराज की तरफ। तो ये हमारे सामने रही है गंगा बैराज, और ये कानपुर बोट क्लब, कानपुर विकास प्राधिकरण, और यहाँ पे सामने देख सकते हैं, और ये है कानपुर का जो लोगो है, और इसी रोड से हम लोग सीधे आए हुए हैं जो ये रोड है, और ये गंगा बैराज, और इसी पर हम चलने वाले हैं, आपको दिखाते हैं रोड इसका व्यू अच्छे से। और हमारी इस जर्नी में हमारे 3 मित्र साथ हैं, हम लोग 3 लोग हैं और 2 आगे चल रहे हैं। देखिए गंगा बैराज पर बहुत ही अच्छी राइडिंग की गई है, और ये कानपुर का बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, और आप घूमने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ बैराज के सामने आपको पानी की आवाज सुनाई दे रही होगी, बहुत तेज है। और ये देखिए जो आपको जो हरा दिखाई दे, ये पानी है। और यहाँ पर गंगा बैराज की कैमरे की रिकॉर्डिंग चल रही है, और ये देखिए गंगा बैराज जो बना है, और उस पर ये पुल है। और
आपको जो ये आवाज़ आ रही है पानी की आवाज़ है गंगा नदी की, तो देख सकते हैं ये पानी कहाँ तक चढ़ा हुआ है, बहुत ऊपर तक। और उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे यूपी में गंगा नदी पे मात्र एक ही ये बांध बनाया गया है जो कानपुर में, जिसका नाम है गंगा बैराज। और इस पूरे बैराज पर बहुत ही अच्छी लाइटिंग की गई है और इसका जो व्यू बहुत पीछे से बहुत अच्छा दिखेगा। गंगा बैराज के सामने ये देखिए चौधरी चरण सिंह का फोटो है, ये उनकी प्रतिमा है जो है ये गंगा बैराज के सामने ही लगाया गया है। और यही चौराहा है, यहाँ से गंगा बैराज की तरफ रोड जाती है और कानपुर स्टेशन की तरफ रोड जाती है, ये है जो सीधे कानपुर स्टेशन की तरफ जाएंगी। और यहाँ से देखिए कुछ व्यू का दिख रहा है और ये चौराहा और ये सामने रहा गंगा बैराज की रोड। तो अभी मैंने आपको गंगा बैराज तरफ पहुँचाया है जो कि कानपुर में पड़ता है, तो आपको दिखाया। तो यह वीडियो आपको देखने में कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।